चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ बैकुंठ चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारू तुझे ले तारू चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारू हिचे तो प्रेम के चाबुक मारो हिचे तो हिचेता प्रेम के चाबक मारो चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारू बैकुंठ तुझे ले तारू चल रे चल रे दे मोहार लगाम पराव दे मोहार लगाम सगल तजीन गगन दौराव दे मोहार लगाम पराव सगल तजीन गगन दराव सगल तजीन गगन दराव
अपने विचार, अपने विचार अशोभारी की जय। अपने विचार अशोभारी की जय। सहज के पावड़े पग धर लीजे, सहज के पावड़े पग धर लीजे। चल रे चल रे, चल रे चल रे बैकुंठ, बैकुंठ तुझे लेता रो। चल रे चल रे चल रे चल रे। हिचे ताओ प्रेम के चाबक मारो, हिचेता प्रेम के चाबक मारो। चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारा, बैकुंठ तुझे ले तारा। चल रे चल रे चल रे चल रे। कहत कबीर, कहत कबीर पले सुवारा, कहत कबीर पले अशुआरा। वेदक देवते रहे निरारा, वेदक देवते रहे निरारा। चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो, बैकुंठ तुझे ले तारो। हिचेता प्रेम के
चौबक मारो हिचेता प्रेम के चौबक मारो चल रे चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो दे मोहार लगाम पैराओ दे मुहार लगाम पैराओ सगल तजीन गगन दोराओ गगन दोराओ अपने विचार असवारी की जय अपने विचार असवारी की जय सहज के पावड़े पग धर लीजै सहज के पावड़े पग धर लीजै चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो इचे तो प्रेम के चाब कुमारो पले असवारा रात गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी बाणी दी लड़ी दा ए सब्जेक्ट ए शब्द आया सी माई मन मेरो बसना है मन मेरे बस नहीं बड़ा परेशान बस नहीं निस्वासर बिखिन को दावत दिन रात जहर दा व्यापारी बन के जहर दी ढूंड विच निकलदा है ओनू किवें रोका रात दा सब्जेक्ट सी ते उन्दे विच्चों मैनू आज दा सब्जेक्ट मिलिया कि मेरो काम मन वास विच नहीं ते वास विच क्यों नहीं क्योंकि राजा है राजा परजा दे वास नहीं हुंदे परजा राजा दे वास हुंदी है ते ख्याल सी सारे तन रूप देश तन रूप नगरी तन रूपी स्टेट ते मन दा कब्जा है ते तन मन ने तो बढ़ाया नहीं तन तो बढ़ाया है मालिक ने
जिन्ने कबीरा धूर स्केल के पुरिया बांधी दे, जिसने तन बनाया पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साजी, उन्हें बनाया रात दे ख्याल दी लड़ी जोड़ना चाहना, उन्हें बनाया केडी अजीब गल है, बनाने वाला कोई होर है, काबज कोई होर है, मन ने तन बनाया नहीं, पर मन तन ते काबज हो गया। हुण तन दा हर अंग बनाने वाले दी मर्जी ते नहीं, मन दी मर्जी ते चल रहा है। आपां कई वारी आम जीवन विच एक लाख दिंदे आ कि भी मैं ये काम नहीं करांगा क्योंकि मेरा मन नहीं मनदा, यही आखते हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन नहीं मनदा। कभी ये भी आख्या कि मैं ये काम नहीं कर सकता मेरा गुरु नहीं मनदा, दसो कभी आख्या हो गई मैं ये काम नहीं कर सकता मेरा राम नहीं मनदा मेरा रब नहीं मनदा। साढ़े रोजाना जीवन विच्चों कई गल्लां समझने वालियां ने, एहो आखीदा मेरा मन नहीं मनदा है, उही तो गल साबित कर दी है कि तन दे हर काम विच मन राजा है, मर्जी उंदी चलदी है, काबज है। ते तन प्रजा दी तरह जिवें राजे ते भरोसा करदी है ना, प्रजा भावें वह बर्बाद कर दे नगरी नूं, इस तरह तन ने मन ते भी भरोसा कर लिया है। रात लपसन मैं जोड़ा कि कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, केड़ा केड़ा बर्बाद नहीं होया तेरे ते विश्वास करके हे मन, कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोह नहीं मोया नरक की रीत, नरक दे राह तुरिया जाना तेरा रुख उधर है जेड़े तेरे ते प्रतीत करके तेरे आखे तेरे राज विच तेरी प्रजा बन के जीवन गुजार रहे ने उन्होंने भी नरक वाल ले जाना है, क्योंकि तेरी रीत मर्यादा तेरा राह तेरी दिशा नरक नू जांदी, तू मेरे वास विच नहीं। मैं इत्थे रात लंबा सब्जेक्ट सी, मैं अगे नहीं वधना चाहता, इत्थों बदलना चाहता, तेरी दिशा नरक नू ले जांदी, मां मोनी मोया नरक की रीत। ते हुण मसला आ गया कि ओ मन जिहड़ा तेरे वस विच नहीं, नरक दी दिशा उंदी अपनी दिशा रीत बन गई है, तेरे कोल ओ काम करा रहा है जिहड़े नरक वाल ले जाण वाले ने, फिर चंगी गल इह है वी इहनूं वस विच कर, इहदी दिशा बदल। मैं पिछले दिनों च भी एक गल कही सी, साईं बुल्ले शाह ने भी आख्या कि बुलिया रब दा की पाउना है इधरों पुटना ते इधर लाउना, दिशा ही बदलनी है। मैं एक बार इस गल ते बोल दिया है कि तुसी मन एक ऐसा घोड़ा है जिंदी बड़ी तेज स्पीड है, इत्थे बैठे हाँ मन पता नहीं कितने कितने घूम आउंदा है, ये आपां रोजाना जीवन विच देखने बड़ी तेज स्पीड। पर एक ख्याल करो जिस भी वहीकल दी जिस भी गड्डी दी जिन्नी तेज स्पीड होएगी उन्नी तेजी नाल ओ घर वाल वधेगा ते बेघर वाले भी वधेगा, क्योंकि स्पीड तो ओ ही रहनी,
जे रब वल वधे तो पलां विच मिल सकता है, ते जे एक छेद एक छेती जने एक छिण ते आयो वाली गल बन जाती है, ते जे रब दे उल्ट चल पवे नरक वाल चल पवे ते पलां विच नरक ले वाले पासे तुर पैंदा, स्पीड तो वो ही है। अर्ज कर रहे हैं फिर चंगी गल है इनकी दिशा बदली जाए, रीत बदली जाए, ते रीत किमें बदले, दिशा किमें बदले, ताई बदले ना जे तेरे हाथ तेरे वास होवे। लो अज दा बाबा कबीर जी दा शब्द इस गल दी तस्वीर है, मुखातब करदे ने मन घोड़े नू, तू बेवस हो के मेरे वसों बाहर हो के मैनू नरक वाल ले जा रहे हैं, मैं तैनू वास करके तेरी दिशा बदलनी चाहना। बाबा कबीर जी आखते ने कहते ने दे मुहार घोड़े नू, घोड़े दे असवार नू कदी किसे ने वेख्या हो गया, इधर हर आदमी साढ़े वाह नहीं पैंदे, साढ़े साधन बदल गए, अगे कदी घोड़िया ते ही सफर हुंदा सी, एक लोहे दा टुकड़ा मूँह विच पाउंदे ने, उंदे नाल दो रस्सियां लगाम बनदे ने, वह लगाम उपरले असवार दे हथ विच हुंदी है, मोहार नाल बननी हुंदी है, मूँह विच पाए हुए उस लोहे दे टुकड़े नाल बननी हुंदी है, लगाम दे दो हिस्से ओ लै के असवार अपने हाथ विच रखदा है, ते जीन ते बहिंदा है असवार हुंदा, उसनू काठी नू जीन कहिंदे ने, ते पैर दो पावड़ियां विच रखदा है रकाब जिन्नू कहिंदे ने रकाबां, ते उन्हां विच अपने पैर रखदा है, ते पैर की ने जीवन दे जिंदे सहारे मनुख चलदा है उसे नू पैर आखने हैं ना, मैं क्योंकि चाहना भी बाणी नू आपां बड़ी गहराई नाल समझिए, पैर दा कम की है चलना, मनुख जीवन दा सफर करदा है ते इंदे पैर की ने अकल सियानप इहदे सहारे चलदा है, जैसी मत दे तैसा प्रगास, अकली साहिब सेवीए अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझिए अकली की चाहता, जो कुछ धर्म कर्म चंगा मंदा सब कुछ अकल दे सहारे करता है, अकल इंदे जीवन दे पैर ने, ते बाबा कबीर कहिंदे ने ये जिहड़ा अकल दा पैर है ना ये सहज दे पावे, सहज कहिंदे ने ज्ञान नू, इनू ज्ञान दे पावड़े विच राखी, अकल वरते पर ज्ञान वाली, ऐसा ना होवे ज्ञान ही अज्ञान पूजा हो जाए। हुण आपां इस तुक नूं दुबारा पढ़िए, बाबा कबीर आखदे ने दे मुहार लगाम पैराव दे मुहार लगाम पैराव सगल तजीन गगन दोराव, गगन दोराव की उच्ची अवस्था वल ले जाना, सगल तजीन गगन दोराव अपने विचार असवारी की जय, असवार होना की है अपने आप दी विचार करना है, हमेशा ये सोचना मैं की कर रहा किस की करन आया, जांको आए सोई बिहाजो,
हमेशा अपने आप दी विचार करना मनुख दी जिंदगी दा कर्तव्य ए दूजे दे कम्मां दी विचार तां करदा है अपने कम्मां दी विचार नहीं करदा पर कहिंदे ने अपने विचार असवारी कीजे असवारी ए है मन दी कि मन हमेशा अपनी अपने आप दी विचार करे मैं की हां की कर रहा मैनू की करना योग है की करना अयोग है कहन लगे अपने विचार असवारी कीजे ते अपने विचार लई ज्ञान चाहिदा है सहज चाहिदी है इसलिए सहज के पावड़े पग धर लीजे सहज दियां रकाबां विच अकल दे पैर सियाणप दे सोच दे पैर रख ते फिर इस मन नूं आवाज दे चल रे बैकुंठ ओथे नरक दी रीत सी एथे बैकुंठ दी रीत है ओ बेवस होया होया मन नरक दी रीत वल ले जा रहा सी इधर सहज के पावड़े विच पग धर के दे मुहार लगाम परावो नाल वस करके उसे ही मन नूं हुण बैकुंठ दे रस्ते बैकुंठ दी दिशा वल तोरना है देखना इत्थे थोड़ा जिहा होर रुकना चाहना कई गल्लां असीं देखा देखी करी जाने आ पर विचारदे नहीं दुखांत इह है कि आपां गुरबाणी दी गोदी विच बैठ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी गोदी विच बैठ के गुरबाणी नूं विचारीए एक लफज है बैकुंठ एक लफज है स्वर्ग स्वर्ग ते बैकुंठ दा जमीन आसमान दा फर्क जे स्वर्ग दा ते बैकुंठ दा जमीन आसमान दा फर्क है हुण आपां इह बाणी गल बाणी विचों समझिए तहां बैकुंठ तहां बैकुंठ जै कीर्तन तेरा तहां बैकुंठ कै कबीर ए कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे गुरबाणी विचों समझ रहे एक है बैकुंठ मनुख बैकुंठ दियां गल्लां करदा है पर गुरु कहिंदे ने तू जानदा नहीं बैकुंठ की है जान जान सब कहे तहाई ना जानना बैकुंठ का है जानदा नहीं खाई कोट ना परल गवारा ना जानना बैकुंठ द्वारा बाबा कबीर जी दे कहन वांगू दोवर कोट और तेवर खाई जेड़ी मन दी पहला सी ओ ते तेनू बाबा कबीर जी ने समझा गुरु ने दूजी खाई भी समझाती कहन लगे तू बैकुंठ दी खाई जिड़ा दे उथे बैकुंठ विच भी हर कोई नहीं पहुंच सकदा है कहन लगे खाई कोट ना परल गवारा वगारा ना जानो बैकुंठ द्वारा तू तो बैकुंठ दा दरवाजा भी नहीं वेख्या जान जान सब कहता है ऊपर आया जे एक पासे रात दे सब्जेक्ट विच ए आ रहा सी कि मां मोनी मोया नरक की रीत ओ नरक दी दिशा वल जा रहा सी ते बाबा कबीर कहंदा चल रे बैकुंठ तुझे लै तारो हुण तां तैनूं बैकुंठ भी समझना पएगा ना ते नरक दे बराबर ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਈਏ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬੈਕੁੰਠ ਆਖਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਆਖਿਆ ਪਰ
एक लफज विच होर आया उन्हूं प्रवान नहीं किया, असी प्रवान कर लिया। लो रुकना चाहना, असी प्रवान कर लिया, पर भोले भाई प्रवान कर ले, यही आदत सुभा असी विचारते नहीं, इसलिए कई चीज़ गलत भी प्रवान कर लें। हुण गुरबाणी एक गल आख रही है, सुरग बास ने बाछी है, स्वर्ग की इच्छा छड़ दे। बाबा कबीर जी के लफज ने, कबीर सुरग नरक ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, गुरु की कृपा हुई जिथे मैं नरक तो छुटकारा पाया, उथे मैं स्वर्ग तो भी छुटकारा पा लिया। पहला बल्कि स्वर्ग का नाम लिया। मैं ये भी चीज नाल अज दोहराना चाहता सा, ये नहीं नरक तो छुटकारा पाया, स्वर्ग तो भी छुटकारा पा लिया। हुण इसलिए जिथे बैकुंठ दी बार बार गल आ रही है, उथे जा चल रे बैकुंठ, उत्थे स्वर्ग तो छुटकारे की गल आ रही है, पर असी स्वर्ग नूं प्रवान कर लिया। साडे विचों कोई चला जाए ना, असी कहने स्वर्गवास हो गया, कदे आख्या बैकुंठवास हो गया? दसो आम जीवन विच कदी आख्या मैं बैकुंठवास हो गया? क्योंकि बैकुंठ नूं असी जाण ना जाणना, बैकुंठ कहां ही, बैकुंठ नूं जाणदा ही नहीं। केड़ी अजीब गल है, बाबा कबीर जी ने गली गल बड़ी स्पष्ट कीती, कहन लगे कबीर सुरग नरक ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद। ते अगली लाइन पढ़ो, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद, उथे मैनू चरण कमल मिले ने। इंदा मतलब स्वर्ग विच चरण कमल नहीं। लो रुकना चाहना, विचारन दा सुभा है, इंदा मतलब स्वर्ग विच चरण कमल नहीं, उथे की है ओ पढ़ो, पढ़ता लो। उत्थे की है, असी कई जाने हाँ बड़ी खुशी नाल ये हक दे जाने, आखने साडा बुजुर्ग जी स्वर्गवास हो गया। इंदा मतलब असी उन्हूं सुरग नूं बड़ा महान समझिया, इस वास्ते अपने बुजुर्ग नूं स्वर्ग विच भेजिया, स्वर्ग विच। पर गुरु को पूछ लो, गुरु एक गल आखेगा, स्वर्ग दिया मोहनिया स्त्रियां होवन, गुरुवाणी एक गल झूठ नहीं। तुसी स्वर्ग दी दास्तां कहानी पढ़ लो, इंद्र नूं स्वर्ग दा राजा मन्या जांदा है, ते इंद्र दे दरबार दी सारी कहानी, सारा दृश्य अनेकां किताबां विच, ग्रंथां विच, शास्त्रां विच मिलदा है, पढ़ लो। बड़ी अजीब गल है, गुरबाणी ने बड़ी कड़ी ढंग नाल हर गल स्पष्ट कीती, असी समझ नहीं रहे। गुरु कहंदे ने बाणी विच, कहंदे ने हिंदू स्वर्ग स्वर्ग मंगदा है, मुसलमान बहिष्त मंगदा है। ओ बहिष्त ना लफज वरतदा है, ये स्वर्ग मंगदा है। ते स्वर्ग विच
इंद्र दे दरबार की कहानी जो तुम पढ़ोगे किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, मैं कोई मैं अपनी जबानों नहीं कहना चाहता, उत्थे साफ है कि उत्थे शराब के दौर चलते हैं, अपछरा दे नाच होंगे ने, और ये कई ग्रंथों में साढ़े भी पा दिता। गुरु बिलास पातशाही छेवीं पढ़ो, उनके गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नाल एक कहानी जोड़ी गई जड़ी कौलों वाली है, तो उत्थे साबित किया गया भी कौलां पुछदी है गुरु हरगोबिंद साहिब नूं कि तुहाडा मेरा रिश्ता किवें हो गया, तुहाडा मेरा संजोग किवें हो गया। तो गुरु हरगोबिंद साहब के मूँह च पा के एक गल कहानीकार ने लिखी पाक, इसलिए असी गुरु इन्हां किताबां ते इन्हां पुस्तकां तो आकी हाँ। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे मूँह च पा के एक गल आखी, आख्या कि गुरु साहब ने जवाब दिता कौलां तेरी कहानी बड़ी लंबी है, तू इंद्र राजे दे दरबार दी अपछरा सैं, उन्हों रिझाने लिए खुश करने लिए उत्थे नाच कर दी सी, ते उस दरबार विच कपिल ऋषि चला गया, उन्हों तू बड़ी खूबसूरत लगी, वो तेरे ते मोया गया, सोची पै गया कि एक बार मेरे वाल निगाह पार के देख लवे, तू देखिया भी नहीं क्योंकि इंद्र नूं प्रसन्न करन लई नच रही सी। मुनि नूं कपिल नूं गुस्सा आया, उन्हें तेनूं शराप दे दिता, जा तू मेरी अवज्ञा कीती है, विपत्ति कीती है, मेरी परवाह नहीं कीती, तू तुरक दे घर जन्म लवे, इहदा मतलब तुरक दे घर जन्म लेना एक सजा है। ते जदों तेरा नाच खत्म होया, तू अपनी गलती का एहसास किया, उनके कोलों खिमा मंगी, मैं किवें बख्शी जावांगी, उन्हें आख्या गुरु हरगोबिंद साहब नाल तेरे संजोग होणगे तां तू बख्शी जा, इहों लिया के जोड़िया कौलां दे इतिहास वो भरियो। असीं अपना घर वेड़ा किवें साफ करिए, और ये साफ नहीं जे होना जिन्नी देर गुरबाणी नूं नहीं समझांगे, जिन्नी देर गुरबाणी नूं नहीं जाणांगे। गुरु तो आक रहा है अपनी रसना तो, सुरग नरक ते मैं रहो, सुरग नरक ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज में, मैं तो उनके चरणों में रहना, इनका मतलब स्वर्ग में उनके चरण नहीं, पर असी हर एक अपने सानू परवान है, इसलिए क्योंकि उत्थे पछड़ा की गल है, दोवां पासे हुई जाए बिश्ते दी जदों परिभाषा करते उदो भी कहते ने उत्थे सुरख शराब है दा चश्मा वगदा है, उत्थे अपछरा ने, ए होई गल इंद्र राजे दे स्वर्ग दी, ते असी हर एक नूं इंद्र राजे दे स्वर्ग विच भेजी जाने कह के फलाना स्वर्गवास हो गए, लफज विचारदे ही नहीं, गुरबाणी आख रही है स्वर्ग नाल मेरा संबंध कोई नहीं, असी हर एक नूं स्वर्ग विच भेजी जाने हैं। नहीं, गुरु कहिंदा भलिया वो जे तेरे मन वास विच आ जाए ना, किसी नूं स्वर्ग विच ना भेजी बैकुंठ विच भेजी, बस आसन समझना, जे तेरा मन वास विच आ जाए, जे तेनू दिशा बदलनी होवे, जे तेनू रीत दा पता लग जाए, किसे नू ना आखी स्वर्गवास हो गया है, जिंदे नाल तेरा सत्कार प्यार हो गए, उन्हूं स्वर्ग विच ना भेजी उन्हूं बैकुंठ विच भेजी, ते फिर सवाल पैदा होवेगा जी बैकुंठ केड़ा है। सतगुरु ने बाणी विच आख्या कहन लगे, सुन समाद गुफा ते आसन जिथे अफुर अवस्था आ जाए,
सुन समाद गुफा ते आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तै बासन। उथे निरंकार रहिंदा है, सचखंड वसे निरंकार। स्वर्ग विच नहीं जे बैठा, एवें किसी नूं स्वर्ग ना भेज दिओ जे। स्वर्ग विच नहीं बैठा, उथे चरण कमल नहीं मिलने। लोड़ है सिख नूं चरण कमल की मौज में रहो अंत अराहत। ते गुरु आखरे ने केवल ब्रह्म पूर्ण ते बासन। उथे भगत जांदा है, भगत संग प्रभ गोष्ट कष्ट। भगत संग प्रभ गोष्ट करत तै हारख ना सोग ना जन्म ना मरत। वो ठिकाना पा लै जे आपनू तेनू ना पता लगे, ना पछाण आवे उस टिकाने दी, ना समझ सके तो भगत रविदास को पूछ लै। लो श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर भगत रविदास ने उस बैकुंठ की परिभाषा कर दिती है। हुण असीं ये देखना होगा जिस बैकुंठ ते दी गल भी नाम ही दस दिता है सात संगत बैकुंठ आए, तो जिस बैकुंठ की परिभाषा भी बाबा रामदास ने श्री गुरु ग्रंथ साहब कर दिती है, भला असीं वो बैकुंठ तसव्वर कीता है। लो मैं इत्थे रुकना चाहना। बाबा रामदास कहिंदे ने मैं उस बैकुंठ बैकुंठ का वासी हाँ, भगत संग प्रभ गोष्ट करत। मैं उस बैकुंठ नूं वेख्या जिंदी तस्वीर ए है। बेगमपुरा शहर को नाम, ए बाबा रामदास दा बैकुंठ। बेगमपुरा शहर को नाम दुख आंदो नहीं तैठा, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जुआल। ना उथे किसी का डर है कोई सजा मिलती है, ना किसी को मुआफकी। जो सजा ही नहीं तो मुआफकी क्यों ना, ना कोई पाप है ना कोई गुनाह, खता करता ही कोई नहीं। खौफ न खता न तरस जुवाल, अब मोए खूब वतन गए पाई, अब मैं खूब वतन गए पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई। कायम दायम सदा पातशाही, उनके राज विच कदी इलेक्शन नहीं होंदे, उनके राज दा राजा बदलदा नहीं। राजो ता तेरा सदा ने, चलो कते ना जावे। उथे इलेक्शन कोई नहीं, कायम दायम सदा पातशाही। उथे कोई घट गिनती शहरी नहीं, कोई वध गिनती शहरी, कोई नीवी जात दा नहीं, कोई वड्डी जात दा नहीं। दोम ना सेम, ना कोई दूजे दर्जे दा है ना कोई तीजे दर्जे दा, हर कोई बराबर है। दोम ना सेम एक आही, आबादान सदा मशहूर। वो ऐना आबाद होया होया देश है, वो ऐना आबाद होया होया बैकुंठ है, जिथे गनी बसे मामूर, वड़े वड़े भगत जन अभ्यासी लोग, रब नाल जुड़े हुए लोग उत्थे रहिंदे ने, उस भाव अवस्था अवस्था विच रहिंदे ने।
ਉਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਬਹਿਰਾਈ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਕੰਠ ਹੈ ਭਲਿਓ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਗਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਬੇਗਮਪੁਰ ਆਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਲਓ ਆਓ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਪਾਰਾਵਾਂ ਸਗਲ ਤਜੀਨ ਗਗਨ ਦੁਰਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ ਸਹਿਜ ਕੇ ਪਾਵੜੇ ਪੱਗ ਧਰ ਲੀਜੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਆ ਰੂਪ ਦੇ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਲਿਓ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰਥ ਜਾਉਂ ਤਾਂ ਹੋਂ ਹੋਂ ਕਰਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਜਾਉਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਨ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰੇ ਚੱਲ ਰੇ ਚੱਲ ਰੇ ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਚੱਲ ਰੇ ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਹਿੱਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਚੌਬਕ ਮਾਰੋ, ਹਿੱਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਚੌਬਕ ਮਾਰੋ, ਚੱਲ ਰੇ ਚੱਲ ਰੇ ਚੱਲ ਰੇ ਚੱਲ ਰੇ
बैकुंठ तुझे ले तारों बैकुंठ तुझे ले तारों चल रे चल रे चल रे चल रे चल रे चल रे बोले सोनिया नहीं तो फिर मन ते प्रतीत करके संसार तुरिया जांदा नरक दी दिशा वल तुरिया दिन ब दिन असी नरक पैदा कर रहे हैं एक कौड़ी सच्चाई है भावें किसी नूं चंगी ना लगे पर कदी चौगिरदे वल अपने जीवन दे चौगिरदे वल देखो असी दिन ब दिन नरक पैदा कर रहे हैं बैकुंठ पैदा ही नहीं कर रहा है इसलिए दरबार विच खलो गए हैं चलो स्वर्ग ही चंगा है सतगुरु बख्शिश करे सानू बाणी दी अगवाई विच पछाण आ जाए नरक तो किवें बचना है स्वर्ग तो नू किवें त्यागना है क्यों त्यागना है ते बैकुंठ विच क्यों जाना है उस बैकुंठ नू सजाण दी कोशिश करिए इन्हां शब्दां नाल खिमां दा जाचे खां फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का